एवरीवन, इस सीरीज में हम लोग उत्तराखंड के महत्वपूर्ण बिंदु को ले रहे हैं। इस नए सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को, राज्य में चलने वाली विभिन्न परियोजनाओं को देख लेते हैं एक बार। टिहरी बांध परियोजना चल रही है, स्वजल परियोजना, राष्ट्रीय सेवा योजना, आप सबको पता है एनएसएस के बारे में। एनएसएस का थीम क्या है ये आप हमें बताएंगे इसमें कमेंट बॉक्स में कि एनएसएस का क्या मकसद है। एकीकृत बाल विकास योजना, उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम परियोजना, उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परियोजना और हिमालय आजीविका सुधार परियोजना, महिला डेयरी विकास परियोजना, एडीपी शहरी एवं नगरीय विकास परियोजना, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी, जलागम प्रबंध परियोजना। ये सब आपको एक दिमाग में होना चाहिए कि ये परियोजना इस तरीके, ऐसी और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये हमारे दिमाग में होगा तो आगे चल करके आप उत्तराखंड पीसीएस का जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी समझने में, आंसर करने में। तो आगे बढ़िए। प्रमुख शासकीय तत्व, हाँ, एक जो शिक्षा से जुड़ा हुआ जो तालीम योजना था, एक आपने पहले देखा था, और एक और दो योजना था जो अल्पसंख्यक से संबंधित है। अल्पसंख्यक की शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजना है ये आता है, ये पहले की वीडियो में हमने समझाया है आपको, उसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे वो कौन कौन सी है। प्रमुख शासकीय तत्व, राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाल और वर्तमान राज्यपाल अभी के ये नहीं हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हालांकि ये प्रश्न पहले भी किया गया था लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर जाएंगे तब तक इन प्रश्नों से छुटकारा नहीं मिलेगा। और ऐसे भी आपको जानना जरूरी है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, ये तो आपको सिलेक्शन होने के बाद भी जानना है। तो मुख्यमंत्री प्रथम है नित्यानंद स्वामी, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है इसका उल्लेख आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। और आगे बढ़िए। विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि ये प्रश्न आता रहता है तो प्रथम का तो जानते हैं आप, प्रकाश पंत जी हैं और हाल ही में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव प्रथम अजय विक्रम सिंह और अभी वर्तमान में कौन है ये आपको पता करना है। इसको पता करने के क्रम में जागरूकता आ जाएगी आपके अंदर। आगे आइए, प्रथम महानिदेशक अशोक कांत शरण वर्तमान में कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर करें। आप पता करने की कोशिश करें, आपको इंटरनेट से पता चल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि आपको जागरूकता आ जाएगी और आप एग्जाम के प्रति जागरूक रहेंगे। यही क्वेश्चन सेम आने वाला है और ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। सपोज कि कल की जो भी तारीख है आपके लिए, जो भी डेट है, कल राज्यपाल बदल जाए, कल विधानसभा अध्यक्ष बदल जाए तो क्या वो किताब में आएगा? लेकिन क्वेश्चन तो आएगा। तो इसके लिए आपको जागरूक रहना है। वो हमेशा मोबाइल है, ये क्वेश्चन हमेशा चेंजेबल है। चलिए, लोक सेवा आयोग, यूके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एनपी नवानी, अभी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करके। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रथम अशोक अभिन्द्र देसाई वर्तमान में कौन है इसको पता कीजिए, आता है प्रश्न। लोकायुक्त उत्तराखंड के
MHA रजा, अभी वर्तमान में कौन है ये भी पता करना है। आगे बढ़िए, वर्तमान में मुख्य कौन है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राज्य सूचना आयुक्त कौन है, वर्तमान के संदर्भ में आपको पता करना है। आगे बढ़िए, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून 2005, संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार 2005। मैं आपको ये बता दूं, ये प्रश्न आपको मिलाने के लिए आ जाता है, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि कब किसकी स्थापना हुई। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय UOU, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई, 2005, हल्द्वानी में है। संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में है और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में है। पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार 2006, पिछले वीडियो में भी ये बात आई थी और बार बार ये बातें आएंगी क्योंकि यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न रिपीट भी होंगे। आगे बढ़िए, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है, देहरादून 2007। स्वामी राम विद्यापीठ डिम्स विश्वविद्यालय के अधीन। ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून की स्थापना कब हुई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2008, मिलाने के लिए आ जाएगा वर्ष से, मिलाने के लिए आ जाएगा प्लेस से। आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में है 2009, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हरिद्वार में है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है देहरादून में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, रुड़की से कंफ्यूज मत होइएगा, रुड़की में क्या है कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, रुड़की में कौन सा इंस्टीट्यूट है और उसकी स्थापना कब हुई, बार बार आप इसको ध्यान में रखिए। IIM 29 अप्रैल 2011 स्थापना हुई काशीपुर में, जो उधम सिंह नगर में है, और काशीपुर का पोजीशन आप जानिए, उधम सिंह नगर में काशीपुर है। जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ ग्रुप सी आर्मी पुलिस, खास तौर से देखिए ग्रुप सी आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए GK 1 से 105 की एक प्लेलिस्ट है, इसका नाम है 105 वीडियो का सेट है, उसको तैयार कर जाइए। और जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए अलग से हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सारी वीडियो है, एक एक वीडियो वन बाय वन आप पढ़िए और उसको कंप्लीट कीजिए, नोट लिखिए। बच्चे बार बार पूछते हैं कैसे तैयारी करें, तो हर एक चीज का, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए।